सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेकरमार टीचिंग क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं मेकरम टाइगर मोबाइल हैंगर। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कोट, ब्लैक कलर की कोट, साथ में बीट्स, बेल्स, लाइटर एंड सीसर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 येलो कलर की कोट जिसके साइज़ है 3 मीटर। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 पीली कलर की कोट, 2 मीटर की इनकी साइज़ है। और इसे हम कुछ इस तरीके से पहले 2 कोट को यहाँ पर रख देंगे। अब इनको आपस में जॉइन करने के लिए जो है हम सिंपल बेस क्रॉन्ट्स बनाएंगे। तो देखिए, पहले हमने इसे घुमाकर ऐसा रखा है, फिर इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड वाली कोट को लेफ्ट हैंड साइड से एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को लेंगे राइट हैंड साइड की तरफ से। ऐसा 2 बार करेंगे तब जाकर इसकी एक सिंपल बेस क्रॉन्ट इसमें बन पाएंगे, साथ में दोनों कोट भी इसमें अटैच हो जाएंगे। तो ये हमने एक नोड इसमें बना दी है और जो भी ऊपर की जो ऐसे घुमावदार वाली कोट थी उसे हम नीचे की तरफ ऐसे खींच देंगे ताकि ये प्रॉपरली एक सिंपल बेसिक नोड इसकी बन जाए। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 3rd कोट जिसकी साइज़ है 3 मीटर। और ये 3rd कोट को भी हम सेम ऐसे अटैच करेंगे जैसे अभी हमने ये कोट्स को अटैच करा था। तो बस राइट हैंड साइड वाली कोट को लेफ्ट से, सीधे हाथ वाली जो कोट है उसको उल्टे हाथ की तरफ से वाली कोट की तरफ से निकालना है और उल्टे हाथ के तरफ वाली जो कोट है उसे सीधे हाथ की तरफ वाली कोट पर से निकालना है। तो तब जाकर ये नोड ऐसी बनेंगी। अब ये 2 नोड हमारी सिंपल बेसिक नोड इसमें बन चुकी है। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं 4th कोट जिसकी साइज़ है 3 मीटर। तो पहले देखिए 2 कोड अटैच कर दी थी हमने, फिर उसके बाद तीसरी और अभी चौथी कोड अटैच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी 3 सिंपल बेसिक नोट इसमें बन चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे 5th और 6th वाली कोड। 5वीं और 6वीं कोड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसकी साइज़ देंगे 3 मीटर, 3 मीटर की साइज़ देंगे। तो 5th और 6th दोनों ही कोड को हम ऐसे सिंगली रख लेंगे, कोई मोड़ेंगे नहीं, बस ऐसे रखना है सीधा। और अब इसके बाद जो है ये दोनों ही कोड की जो साइज़ है 3 मीटर ही है। अब हम इसके बाद बस कोड को लेंगे, एक कोड को दूसरी वाली कोड के ऊपर से घुमाते जाएंगे। तो कोड को रखेंगे नीचे, फिर ऊपर वाली जो कोड है उसके ऊपर से हमको घुमाते जाना है पहली बार और दूसरी बार, ऐसे बस घुमाते जाना है। जैसे पाई पाई के नोड हम बनाते बस वैसे इसको जो है इसे घुमाते जाना है और इसे बनाते जाना है। तो तब जाकर जो है ये पाइपिंग के नोड भी इसमें ऐसे बन जाएंगी और कम से कम हम 8 to 9 टाइम्स जो है इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसी नोट्स जो है हमारी बन जाएंगी, इसे ऐसे घुमाकर हम रख देंगे। अब हम यूज़ करेंगे 7th और 8th वाली कोड जितनी साइज़ रहेगी 3 मीटर। 7वीं और 8वीं कोड यूज़ कर रहे हैं हम 3 मीटर की साइज़ से, इसे घुमाकर रखेंगे दोनों ही साइड में। और जो अभी हमने पाइपिंग की जैसे नोड बनाए थे वहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। तो इसे घुमाकर रखेंगे, फिर जो सिंपल बेसिक नोड हम बनाते बस वैसे ही यहाँ पर भी इसके सिंपल बेसिक नोड हम बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल बेसिक नोट बनाई थी, अब ये वाली साइड और जो हमने 3 सिंपल बेसिक नोट बनाई थी वो वाली साइड दोनों को ही आपस में जॉइन करने के लिए उनके बीच में हम एक सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे। और उसे बनाने के लिए ये जो पाइपिंग की जहाँ नोट बनाई है और कोड अटैच करी उसकी 2 कोड और जहाँ पर हमने 3 नोट बनाई है उसकी 2 कोड, ऐसे करते हैं 4 कोड हो जाएंगे। फिर दोनों को ही मिलाकर सिंपल बेसिक नोट बना देंगे और साथ में दोनों ही डिज़ाइन आपस में भी जॉइन हो जाएंगे। अब सेम टू सेम जैसे अभी हमने बनाई थी बस वही डिज़ाइन हमने यहाँ पर भी बना ली है और 8th और 9th वाली कोट जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है। अब इसके बाद इसे भी हम सेम वे से ही अटैच करेंगे।
अब देखिए दोनों ही साइड में हमने जो है ये डिज़ाइन को जॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद हम अटैच कर रहे हैं 10th वाली कॉर्ड जिसकी साइज़ है 3 मीटर, तो 10वीं कॉर्ड 3 मीटर की हम इसमें अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं वैसे ही इसे लेफ्ट हैंड साइड में अटैच करेंगे, फिर एक सिंपल बेसिक नॉट जो है इसमें यहाँ पर कुछ तरीके से बना देंगे। तो देखिए नॉट भी हमारी बन गई है और ये डिज़ाइन हमारी इतनी यहाँ तक बन चुकी है। अब बीच में हम डिज़ाइन को बनाने के लिए जो है सिंपल बेसिक नॉट ही बनाएंगे, एक कॉर्नर की कॉर्ड तो हम छोड़ ही देंगे, बाकी की जो आगे की 4 कॉर्ड रहेंगे 4 कॉर्ड उसको लेकर हम सिंपल बेसिक नॉट इसमें बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने यूज़ करी है 11th कॉर्ड 3 मीटर की इसकी साइज़ रहेगी, 11वीं कॉर्ड 3 मीटर की अटैच कर देंगे। हाँ देखिए सेंटर में बस हमको सिंपल बेसिक नॉट जो है वही बनाते जाना है। तो जो ऊपर की 2 सिंपल बेसिक नॉट है उनके कॉर्नर की 2 2 कॉर्ड लेकर एक सिंपल बेसिक नॉट हमको इसे बना देना है। ठीक बीच में 2 नॉट के बीच में नीचे सेंटर में एक नॉट बनेगी और ऐसे कंटिन्यूसली हम करते जाएंगे तो ये जो सिंपल बेसिक नॉट है वो भी हमारी बनते जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम अटैच कर रहे हैं 12th कॉर्ड 3 मीटर की इसकी साइज़ रहेंगी, तो बस उसे भी ऐसे घुमाकर रखना है फिर अटैच करना है सिंपल बेसिक नॉट बनाकर। तो ये हमारी अटैच हो चुकी है 12th कॉर्ड 12वीं कॉर्ड 3 मीटर की। अब 13वीं कॉर्ड 13th कॉर्ड अटैच कर रहे हैं जिसकी साइज़ है 3 मीटर, 3 मीटर की साइज़ है, उससे भी हम समय से अटैच कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि हम कैसे अटैच करते जा रहे हैं क्योंकि देखिए हमारी डिज़ाइन पहले छोटी थी फिर धीरे धीरे बढ़ते गई है, अब बढ़ती गई है डिज़ाइन, इसलिए हमको कोड भी अटैच करने पड़ेंगे ताकि एक प्रॉपरली शेप दिखे टाइगर का। क्योंकि जैसे ऊपर जो ऊपर का भाग रहता है थोड़ा छोटा, बीच का भाग जो है चौड़ा रहता है, इसलिए कोड भी हम अटैच करते जाएंगे ताकि हमारी डिज़ाइन भी ऐसे चौड़ी मतलब उसकी जो साइज़ है वो भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर कोड को अटैच कर रहे हैं। तो अब ये 13th कॉर्ड 3 मीटर की हमने अटैच कर दी थी राइट हैंड साइड में, अब वही बस आगे भी सिंपल बेसिक नॉट्स जो है बनाते जाएंगे।
अब देखिए ये फिफ्थ लाइन तक हमारी सिंपल बेसिक नोट बन चुकी है। अब इसके बाद जितने भी हम सिंपल बेसिक नोट की लाइन बनाएंगे उसमें हम कोने की दो दो कोट को छोड़ देंगे ताकि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में डिज़ाइन दिखे। जैसे कि अभी सिक्स थे तो फिफ्थ फोर्थ थ्री टू एंड देन वन करते हुए नोट को बनाएंगे, छः पाँच चार तीन दो एक करते हुए नोट्स को बनाएंगे, फिर पाइपिंग को हम बना देंगे। तो इसके बाद से हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में ही सिंपल बेसिक नोट्स को बनाना है। और साथ में हम यहाँ पर आइस के लिए एक काटा बीट्स को भी, ब्लैक कलर के काटा बीट्स को इसमें यूज़ करेंगे अटैच करने के लिए। तो देखिए सिक्स लाइन जो है सिंपल बेसिक नोट की वो हमने यहाँ पर बना दी है। राइट हैंड साइड की तरफ से जो है दो कोट छोड़ के एक सिंपल बेसिक नोट हमने यहाँ पर बना दिया है। ये देखिए ये दो कोट छोड़ दी, फिर ये आगे की फोर कोट लेकर सिंपल बेसिक नोट भी बना दिया। अब ये जो नोट बनी है उसके दो कोट और आगे की दो कोट लेकर एक और सिंपल बेसिक नोट हम यहाँ पर बना देंगे। तो आइस के लिए जो आँख रहती है उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्लैक कलर के काले कलर के बीट्स को, काटा बीट्स को, ताकि थोड़ा सा शाइन भी इसमें दिखे। तो बस उसको हम लेंगे और ये जो आगे की जो दो कोड़े वहाँ पर हम दो कोड में एक काटा बीट्स को अटैच कर देंगे, यहाँ पर इसे रख देंगे। फिर वही दोबारा फिर से सिंपल बेसिक नोट हम बना देंगे। और ध्यान रखिएगा दोनों ही साइड में हमको ऐसे ही जो आइस है उसको अटैच करना है, मतलब आइस के जो ब्लैक कलर के बीट्स उसको अटैच करना है, क्योंकि देखिए कभी आगे पीछे हो जाएंगे कभी नोट्स तो वो फिर प्रॉपर शेप नहीं दिखेगा उनका, प्रॉपरली वो दिखेंगे नहीं एक ही साइज़ में। इसलिए हमको इस बात का ध्यान देना है कि जितने नोट हम कॉर्नर में बना रहे हैं और सेंटर में बना रहे हैं उतने ही नोट हमको दूसरी लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना पड़ेगा, ताकि दोनों ही इक्वली दिखे और कोई भी आगे पीछे ना दिखे। तो अभी देखिए ये बीट्स हमने अटैच कर दिया, फिर उसके बाद फिर से एक और सेंटर में एक सिंपल बेसिक नोट जो है वो हमने बना दिए। अब इसके बाद फिर से ये बीट्स को अटैच करेंगे, फिर उसके बाद वही सिंपल बेसिक नोट करते हुए आगे की लाइन में भी सिंपल बेसिक नोट्स को बना देंगे। तो देखिए दो ब्लैक कलर के बीट्स हमने इसमें अटैच कर दिए। नीचे जो है फिर से हमने थ्री सिंपल बेसिक नोट, थ्री टू फोर सिंपल बेसिक नोट जो इनके बीच में ऐसे बना दिए हैं। अब यहाँ पर ये एक लाइन फोर सिंपल बेसिक नोट की बन जाने के बाद फिर सेंटर की जो है दो कोड लेंगे, जहाँ पर दो नोट बनी है उनके ही ठीक बीच की दो कोड लेंगे, वहाँ पर रेड कलर के काटा बीट्स को हम इसमें अटैच कर देंगे और फिर दोबारा फिर से सिंपल बेसिक नोट को नीचे की तरफ ऐसे बना देंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई है। अब हम बनाएंगे आगे के जो नोड है, जो ये हमने रेड कलर की काटा बीट्स जो यूज़ करा है नोज बनाने के लिए, नाक बनाने के लिए, उसके जस्ट साइड से भी नोट्स को हम बना देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे करते हैं फोर थ्री टू एंड देन वन करते हुए, चार तीन दो एक करते हुए नोट हमारी बन गई है। और हमने हर एक एक लाइन में दो दो कोट कॉर्नर के हम छोड़ते गए हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड की। अब बना रहे हैं हम पाइपिंग, और इससे बनाने के लिए
जो है कॉर्नर की कोट लेंगे और इसे रखेंगे बाकी की सभी कोट के ऊपर। फिर नीचे से एक कोट को लेंगे और ये ऊपर वाली कोट के ऊपर से घुमाएंगे हम दो बार, पहली बार और दूसरी बार। ऐसे करते हुए हम कोट को घुमाते जाएंगे और ये पाइपिंग की नोट जो है बस ऐसे ही बनाते जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ सेंटर में। अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर की ब्लैक कलर की कोट। इसके एक साइड सबसे छोटी रखेंगे, एक साइड सबसे बड़ी रखेंगे और इसे हम घुमाएंगे दो बार ऐसे करते हुए कॉर्नर साइड की कोट के ऊपर से। तो ये हमने घुमा दिया है और अब ये जो ब्लैक कलर की कोट है इसे रखेंगे हम नीचे येलो कलर की कोट के नीचे, और ब्लैक कलर की कोट को नीचे रखने के बाद इस येलो कलर की कोट के ऊपर से हम दो बार घुमाएंगे, पहली बार और दूसरी बार। ये देखिए हमको ब्लैक कलर की कोट की पाइपिंग चाहिए, इसलिए जो भी कलर की कोट की पाइपिंग चाहिए रहती है उसे हमेशा नीचे रखा जाता है और इसे ऊपर की तरफ से इसे दो बार घुमाया जाता है। तो बस हमको ब्लैक कलर मतलब काले कलर की ही पाइपिंग चाहिए, इसलिए हम इसे भी ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए इसके बाद जो हमने यहाँ पर येलो कलर की कोट की भी पाइपिंग इसमें हम कॉर्नर की तरफ से ऐसे करते हुए बना देंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने ये पाइपिंग बनाई है वैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ भी हम बनाएंगे और एक और ब्लैक कलर की कोट लेकर उसकी भी पाइपिंग हमको ऐसे ही बना देना है। तो बस पाइपिंग जो येलो कलर की कोट की पाइपिंग रहेंगी वो बिल्कुल एकदम ऐसे सेंटर तक ले जाना है और जो ब्लैक कलर की कोट की पाइपिंग रहेंगी वो हमको सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 तक ही कोट तक ही रखना है, मतलब पूरी इसको सेंटर तक नहीं ले जाना है, बस 5-6 कोट तक ही ये ब्लैक कलर की कोट की पाइपिंग हमको बनाना है। और सेंटर की तरफ तो आप देख ही सकते हैं येलो कलर की कोट की पाइपिंग है। अब यहाँ पर फिर से एक और ब्लैक कलर की कोट लेकर उसकी भी पाइपिंग हमको ऐसे ही बना देना है। तो उसकी भी साइज़ आप देख सकते हैं, जो ऊपर की ब्लैक कलर की कोट की पाइपिंग है उससे एक कोट ज़्यादा नीचे वाली कोट की पाइपिंग हमको उसमें बनाना है, ताकि ऐसा इसका पूरा बराबर साइज़ देखिए, एक पहले वाला थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा सा हल्का सा एक कोट बढ़ाकर सेकेंड वाली ब्लैक कलर कोट की पाइपिंग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी ब्लैक कलर की कोड़ी बची हुई थी स्टार्टिंग की और ये पीछे की तरफ, इनको हम कट करके स्टिक कर देंगे। तो देखिए वो जो ऊपर वाली कोड़ी इसको तो हम नहीं कट करेंगे, लेकिन जो नीचे वाली जहाँ पर हमने पाइपिंग एंड हुई है वहाँ पर जो है इसे स्टिक कर देंगे लाइटर की हेल्प से। और ये जो हमने पाइपिंग यहाँ तक सेंटर तक बना ली है वहाँ पर यही तक ही देखिए, थोड़ी सी हमको यही तक बढ़ानी है, बीच में हल्का सा पाइपिंग हमको नहीं बनानी, वहाँ पर हम बनाएंगे सिंपल बेसिक नोट्स को जैसे अभी हमने बनाया। अब वही दोबारा फिर से सिंपल बेसिक नोट हम जो है बनाते जाएंगे। Thank you.
तो देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर जो है 4-4 कोड दोनों ही साइड की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हमने छोड़ दी है, और बाकी के जितने भी सेंटर में कोड बचे हैं वहाँ पर हम बना रहे हैं सिंपल बेसिक नोट्स को। तो बस कंटिन्यूसली सिंपल बेसिक नोट्स को बनाना है, और एक जो पाउच आता है मोबाइल रखने के लिए वैसा हमको बनाने के लिए इसमें बस सिंपल बेसिक नोट्स को ही बनाते इसमें जाना है। और आप देखिए अब हम अटैच कर रहे हैं 40 सेंटीमीटर की येलो कलर की कोट, 40 सेंटीमीटर की पीली कलर की येलो कलर की कोट को हम अटैच करेंगे। एक साइड से निकाला फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही, ये देखिए यहाँ तक निकाल देंगे, और दूसरी साइड में से नोट के गेप में से निकालने के बाद इसे एक और बार से घुमा देंगे, जैसे पाइपिंग के नोट बनाते वैसे घुमा देंगे, या फिर कोई भी आप टाइटली पीछे ऐसे नोट बना दीजिए, ताकि एक हमारे पाउच बना जो हम बना रहे हैं उसके लिए इसमें कोड अटैच हो सके। तो बस वो हमने ये देखिए दूसरी साइड भी नोट्स को बना दिया है, अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम अटैच करें 12 येलो कलर की कोड, 12 पीली कलर की कोड अटैच कर रहे हैं, जिसकी साइज़ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की 12 पीली कलर की कोड अटैच कर देंगे, और बस वन बाय वन करते हैं इसे अटैच करते जाना है। तो देखिए सभी 12 डेढ़ मीटर की 12 कोड्स 1.5 मीटर की हमने अटैच कर दिए। अब हम बना रहे हैं सिंपल बेसिक नोट्स, तो बस कंटिन्यूसली सिंपल बेसिक नोट्स से बनाते जाना है। बस इस बात का ध्यान देना है कि जैसे हर एक लाइन बन जाएंगी तो फिर उसकी जो हर एक लाइन में हमको जॉइन भी करते जाना है, दोनों ही साइड से लेफ्ट और राइट हैंड साइड की तरफ से जो पीछे की डिज़ाइन देख रहे हैं आप नोट की, वहाँ से हमको लेफ्ट और राइट हैंड साइड के कॉर्नर की कोड, दो कोड हमको पीछे की तरफ से निकाल देना है, और फिर आगे की तरफ से घुमा कर तो हम वही सिंपल बेसिक नोट में इसे जॉइन कर लेंगे। तो अभी देखिए एक लाइन हमारी बन गई, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो आगे हम देखेंगे इसका, पहले हम यहाँ पर एक सिंपल बेसिक नोट बना दी। अब सेकंड लाइन में हम अटैच कर रहे हैं ब्लैक कलर के बीट्स को, काटा बीट्स को, तो पूरी एक लाइन काटा बीट्स के हम इसमें बनाएंगे। अब देखिए कॉर्नर की जो दो कोड है वो हमने ली, पीछे का जो गेप है नोट का वहाँ से देखिए इसे पीछे की तरफ से निकाला, तो ये हमने निकाल दी है दो कोड। अब ये दो कोड निकाल दी, अब आगे की जो सिंपल बेसिक नोट्स हम बना रहे उसमें ही इसे ज्वाइन कर देंगे, मतलब उस वही दो कोड को आगे की तरफ नोट में बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो कॉर्नर की ही कोड हमको लेना है, बाकी की कोड नहीं लेना, नहीं तो आप मोबाइल कैसे रखोगे, इसलिए बस कॉर्नर की कोड को ही हमको इसमें ज्वाइन करते जाना है। तो अभी देखिए यहाँ पर भी हमने वही करा, पीछे की जो गेप है वहाँ से निकाला और आगे की तरफ इसे नोट बनाने में हम यूज़ कर लेंगे। Thank you.
अब हमको ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट ही बनाते जाना है, और हर एक लाइन में जैसा अभी आपको मैंने तरीका बताया अटैच करने का, वैसे ही अटैच भी हमको इसमें करते जाना है। तो देखिए यहाँ तक हमारी सिंपल बेसिक नोट की लाइन पर बन चुकी है। आप चाहे तो इसे और भी बड़ा बना भी सकते हैं, या फिर रिंग अटैच करके भी आप ये डिज़ाइन को बना सकते हैं। हमने बहुत से वीडियो में बताया भी है कि रिंग अटैच करके कैसे जो है ये मोबाइल होल्डर जो है बनाया जाता है, तो वो वीडियो भी आप देख कर इसमें यहाँ पर नीचे भी वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं रिंग वाला, या फिर ऐसे नॉर्मली पाउच बनाकर भी आप ऐसे डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब देखिए जो भी कोड हमारी बची हुई थी उसे हमने पीछे की तरफ से एक गेप में से निकाल दिया है, और सभी कोड हमारी पीछे की तरफ ऐसे आ चुकी है। अब यहाँ पर हम बनाए, आप चाहे तो बना सकते हैं नोड, अच्छे से टाइटली पीछे की तरफ से नोड बना लीजिए, फिर उसके बाद कट करके इसे लाइटर की हेल्प से स्टिक कर दीजिए, तो इससे जो है आपका पाउच एकदम बराबर परफेक्टली मतलब फिट हो जाएगा, जॉइन हो जाएगा ये। और अब ये जो आगे की जो कोड बची हुई थी उसे भी हम कट करके स्टिक कर देंगे, जो 4-4 कोड हमने छोड़ी थी वो वाली, और जो हमने पाउच बनाने में यूज़ करी थी वो वाली 2 कोड भी स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक लाइन सिंपल बेसिक नोट की ऐसे कहते हुए, और अब यहाँ पर हम देखिए बेल्स को भी इसमें अटैच करेंगे। बस एक लाइन लेंगे जिसमें 4 कोट रहेंगे, बस उसकी ही सिंपल बेसिक नोट्स जो है हम बनाते जाएंगे। कम से कम 4 to 5 सिंपल बेसिक नोट्स हमको इसमें बनाना है, एक ही लाइन में कंटिन्यूसली बनाना है। बस इस बात का ध्यान देना है कि इक्वल साइज़ रहे, जैसे कि अभी आप 5 नोट्स बना रहे तो बाकी के जो बनाएंगे वहाँ पर भी 5 ही नोट 5 नोट से बनाना, नहीं तो आगे पीछे हमारे डिज़ाइन दिखेंगे, इसलिए एक ही साइज़ रखेंगे। अब देखिए ये सभी जो है नोट्स बन जाने के बाद कम से कम 4 पार्ट्स हमारे इसमें बन चुके। अब इसके जो कोड है उसे हम कट करके लाइटर की हेल्प से इनमें बेल्स को स्टिक करेंगे, तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, लाइटर की हेल्प से दूसरी वाली कोड लेकर इसे स्टिक कर देंगे, और अब हम बाकी सभी बेल्स को ऐसे ही इसमें अटैच करेंगे, और अब हम सभी में इसी तरीके से बेल्स को अटैच कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा मेकरम का टाइगर मोबाइल होल्डर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल डिज़ाइन है, और जैसे टाइगर का फेस रहता है वो हमने इसमें देने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही अच्छा फेस इसका दिख रहा है एकदम टाइगर जैसा। और आप इसमें यहाँ पर नीचे हमने जो इसमें पॉकेट जैसा ऐसा बनाया है जिसमें आप कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं, आप मोबाइल भी इसमें रख सकते हैं, तो इस तरीके से ये हमारे जो मोबाइल रखने के लिए भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ में हमने जैसे टाइगर के जो ब्लैक कलर के हेयर रहते हैं वो देने की कोशिश करी है, और जो आईज रहती है उसके लिए हमने यहाँ पर जो है बीट्स अटैच करे हैं, और नोज़ के लिए भी एक रेड कलर के बीट्स को अटैच करा है, साथ में नीचे हमने ब्लू कलर के बीट्स इसमें अटैच करे। तो बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, आप इसे ईजिली कम मेकरम में कम टाइम में ईजी वे में आप इसे बना सकते हैं, तो इसे आप जरूर ट्राई करिए, इसे जरूर बनाइए। बस आपको इसमें जो है सिंपल बेसिक नोट से ज़्यादा बनाना है, और साथ में बस पाइपिंग इसमें बनाना है, वो भी फेस में ये पाइपिंग यूज़ होगी, बाकी कुछ भी नहीं है, बस सिंपल बेसिक नोट के बेस पर पूरी डिज़ाइन हमने इसमें बनाई है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए, इसे जरूर बनाइए, अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से मेकरम टाइगर मोबाइल होल्डर से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारा चैनल मेकरम आर्ट के क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।